क्या कावड़ यात्रा में आएगी दिक्कत? नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयूएन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 22 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन विवादों में घिरता भी नजर आ रहा है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 3 दिन पहले यानी कि 15 जुलाई को जारी एक आदेश में कहा था कि कावड़ रास्ते की दुकानों में मालिक अपना नाम लिखवा कर रखे, ताकि कावड़ियों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इस आदेश के बाद अब राजनीति भी शुरू हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर टिप्पणी करी है। मुजफ्फरनगर पुलिस की तुलना हिटलर से कर गई है, तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा, जिसका नाम गुड्डू, मुन्नू, छोटू या फतेह हो, उसके नाम से क्या पता चलेगा। कोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान ले। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध है। जवाब में SSP ने भी कहा, यह परंपरा रही है और भ्रम की स्थिति से बचने के लिए ऐसा किया गया है। वहीं TMC के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने मुजफ्फरनगर पुलिस के खिलाफ राष्ट्रीय अधिकार आयोग यानी कि NHRC में केस भी दर्ज कराया है। गोखले के मुताबिक आदेश भेदभाव करने वाला है, साथ ही उन्होंने SSP मुजफ्फरनगर के तर्क को मुक्तपूर्ण बताया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऐसा आदेश दिया ही क्यों। बता दें कि बागरा के योग साधना केंद्र के संस्थापक स्वामी यशवीर आश्रम महाराज ने चेतावनी दी थी कि कावड़ रास्ते पर पड़ने वाले मुस्लिम होटल संचालक अपना नाम नहीं लिखेंगे तो आंदोलन छेड़ देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमान ने हिंदू देवी देवताओं के नाम पर होटल खोले हैं, इसमें श्रद्धालु भ्रमित हो जाते हैं। पुलिस चार्ज में ऐसे 8 होटल मिले और मुसलमान के थे, लेकिन होटल के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखे गए थे। इसके बाद SP अभिषेक सिंह ने अपील की कि इन होटलों का नाम बदल ले और वहां काम करने वालों के नाम भी बोर्ड पर लिखवा दे। यह भी बता दें कि मुजफ्फरनगर जिले से होते हुए कांवड़िया हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और UP के अलग अलग जिलों में जाते हैं। हरिद्वार से हर साल 4 करोड़ कांवड़िया कांवड़ उठाते हैं। 2.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़िया मुजफ्फरनगर से होकर जाते हैं। इस बात को लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्विटर X पर ट्वीट किया और लिखा, कोर्ट को इस मामले पर खुद एक्शन लेना चाहिए, ऐसे आदेश की जांच कराई जाए। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध है जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। इसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्विटर पर ट्वीट किया और कहा, अब हर खाने वाली दुकान या ठेले मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा, ताकि कोई कांवड़िया गलती से किसी मुसलमान की दुकान से कुछ ना खरीद ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपर थर्ड कहा जाता है और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जुडेन बायकोट था। इसके ऊपर भी DIG अजय कुमार सहानी ने कहा, पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे जब कांवड़ियों के बीच होटल और ढाबों पर खाने की रेट लिस्ट को लेकर बहस हुई थी। इसके अलावा ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां किसी होटल ढाबे पर नॉनवेज मिलता है या किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने किसी और नाम से होटल ढाबा खोला, तो इस विवाद से उसके मद्देनजर निर्णय लिया गया है, दुकानों होटल ढाबों के मालिक का नाम बोर्ड पर स्पष्ट रूप से लिखा जाए और रेट लिस्ट स्पष्ट रूप से लिखी जाएगी। कर्मियों के नाम भी स्पष्ट रूप से लिखे जाएंगे, ताकि किसी भी तरह की कोई भी समस्या सामने ना आकर खड़ी हो। अब आपकी इसके ऊपर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए VUA न्यूज़ पर।